नमस्कार दोस्तों, बप्ताज किचन में आपका स्वागत है। पराठे तो हम सभी के घरों में हमेशा बनते ही हैं और कई तरह से भी बनाए जाते हैं। तो आज हम बनाएंगे मुगलई पराठा, जो कि हैदराबाद का काफ़ी प्रसिद्ध पराठा है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस पराठे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम मैदा लिया है, एक छोटे साइज की पत्ता गोभी को अच्छी तरह से साफ करके कद्दूकस कर लिया है, दो बड़े साइज के गाजर को भी अच्छी तरह से साफ करके कद्दूकस कर लिया है, दो बड़े साइज के आलू को उबाल कर इसे भी हमने कद्दूकस कर लिया है, 200 ग्राम पनीर को भी कद्दूकस कर लिया है, एक छोटे साइज की प्याज, आधी इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन की कलियां, दो हरी मिर्च, इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से साफ करके बारीक काट लिया है, एक छोटी चम्मच जीरा, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच सब्जी मसाला, एक छोटी चम्मच चाट मसाला, स्वादानुसार नमक, एक छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, 4 से 5 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल, इसके जगह आप देसी घी भी ले सकते हैं, और हरी धनिया पत्ती। तो सबसे पहले मैदे को गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तो मैदे में डालेंगे बेकिंग सोडा, एक चुटकी नमक, नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस हल्का सा टेस्ट के लिए डालेंगे, और 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर तेल की जगह आप देसी घी भी डाल सकते हैं। अगर आप इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो मैदे की जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर मैदा इसलिए लिया है क्योंकि मुगलई पराठा मैदे से बनाई जाती है, इसलिए हमने मैदे का इस्तेमाल किया है। इस आटे को हम हल्के गुनगुने पानी से गूंथेंगे और आटे को अच्छी तरह से मसल मसल कर सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। इस आटे को हम पूड़ी के आटे जैसा गूंथेंगे। सॉफ्ट आटा हमने गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे किसी टॉवल या सूती कपड़े से ढककर अच्छी तरह से कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे ताकि आटा अच्छी तरह से फूल जाए। अब हम पराठे का स्टफिंग तैयार करने के लिए एक पैन गरम करेंगे और पैन में 2 से 3 बड़ा चम्मच तेल डालकर तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। उसमें डालेंगे जीरा और जीरा को अच्छी तरह से चटकने देंगे और उसमें बारीक कटी हुई अदरक और लहसुन, इन सारी चीज़ों को डालकर गोल्डन होने तक भून लेंगे। लहसुन का कलर अब चेंज हो गया है। अब इसमें हम बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे और प्याज को सुनहरा होने तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। प्याज को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसमें कद्दूकस किया हुआ गाजर और पत्ता गोभी डालकर 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे हम भूनेंगे। इसे जल्दी सॉफ्ट होने के लिए अब हम इसमें चुटकी भर नमक डाल देंगे ताकि यह जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। नमक डालने के बाद इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। गाजर और पत्ता गोभी अच्छी तरह से अब पक चुकी है। अब इसमें हम सभी सूखे मसाले और साथ में स्वादानुसार नमक भी डाल लेंगे। सब्जी मसाला की जगह इसमें आप गर्म मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, और इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिला लेंगे और 3 से 4 मिनट तक इन मसालों को हम सब्जी के साथ भून लेंगे ताकि मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और भून भी जाएं। भूनने के बाद इसमें हम कद्दूकस किया हुआ आलू और पनीर, इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिला लेंगे। पराठा बनाने के पहले हमने आलू को उबाल कर रख लिया था और कद्दूकस कर लिया है। आलू और पनीर डालने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट तक फिर से भून लेंगे ताकि इसमें भी मसाले और नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस स्टफिंग को हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। आइए अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो आटे को फिर से थोड़ा सा मसल लेते हैं। आटा भी अच्छी तरह से फूल चुका है और स्टफिंग भी ठंडा हो गया है। तो आटे के डो में से थोड़े से बड़े साइज का ही लोई तोड़कर इसे अच्छी तरह से रोल कर लेंगे और मैदे में डिप करके इसे हम रोटी के साइज का बेलकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर
दो बड़ा चम्मच स्टफिंग रखकर अच्छी तरह से इसे हम फैला देंगे इस तरह से, और दोनों साइड से इस तरह से हम इसे मोड़ेंगे। इसी तरह हम ऊपर और नीचे वाली साइड को भी मोड़ देंगे, जिससे इसमें भरी हुई मिक्सचर बाहर ना निकले। और हम इसे मैदे में थोड़ा सा फिर से डिप कर लेते हैं और हल्के हाथों से थोड़े मोटे ही पराठा बेलेंगे, क्योंकि यह पराठा बड़े और मोटे साइज का होता है। तो हम इस तरह से इसे हल्के हाथों से बेलकर तैयार कर लेंगे। इसे सेकने के लिए तवा को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। यह पराठे थोड़े से मोटे ही बनाए जाते हैं, तो हम इसे हल्का सा मोटा ही रखेंगे। पराठा को हमने बेलकर तैयार कर लिया है और तवे को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, तवा भी हमारा गर्म हो गया है। अब हम तवे को थोड़ा सा ऑयल से चिकना कर लेते हैं और इसके ऊपर हल्के हाथों से बेले हुए पराठे डालकर इसे हम मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। इस पराठे को हम बहुत ही कम तेल में बनाएंगे। यह पराठा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पराठा बनती है। इस पराठे को आप एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर करें। पराठे को हम चित्ती आने के बाद एक बार इसे पलट देंगे और इसी तरह हम दूसरा पराठा भी बेलकर तैयार कर लेंगे। इस पराठे को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक हम दूसरा पराठा भी बेलकर तैयार कर लेते हैं। एक पराठे को सीख जाने में करीब 3 से 4 मिनट तक का समय लग जाता है, लेकिन यह पराठा बहुत ही अच्छा बनता है। अब हम इसके दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर उलट पलट कर अच्छी तरह से पक जाने तक इसे हम सेक लेंगे। इस पराठे को हम हाई फ्लेम पर नहीं सेकेंगे, नहीं तो पराठे तुरंत जल जाएंगे और अच्छी तरह से पक नहीं पाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर इसे हम अच्छी तरह से उलट पलट कर इसी तरह सेकेंगे। अगर आप इस पराठे को और भी हेल्दी बनाना चाहते हैं तो गेहूं के आटे से भी यह पराठा बनाया जा सकता है। यह पराठा घर में छोटे से लेकर बड़े तक को सभी को बहुत ही पसंद आता है। आप देख सकते हैं यह पराठा अच्छी तरह से सीककर तैयार हो गया है, अच्छी तरह से फूल चुका है। बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी मुगलई पराठा बनकर तैयार है, जिसे आप तीखी मीठी चटनी या किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको और भी पराठे की रेसिपी देखनी हो तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसी तरह हम और भी पराठे बनाकर तैयार करेंगे। उसके बाद हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। मुगलई पराठा बनकर तैयार है, तो इसे आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव उपताज किचन पर शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।